एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप लोगों को पता होगा कि ट्रिक के माध्यम से रचनाओं को, कवियों को और बहुत सारी चीजों को याद करवाती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया है कि चाहे जितना भी हम पढ़ लें या कितना भी रट्टा मार लें, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो उस चीज को मैं सरल करने के लिए ये तरीका अपनाई हूँ, जिस तरह से मैंने पढ़ा ट्रिक के माध्यम से, रचनाओं को याद किया, कवियों के क्रम को याद किया, बहुत सारी चीजों को ट्रिक से मैंने लिंक करके याद किया। तो वही क्या है, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को भी याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है यह देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देती रहूंगी, ट्रिक के माध्यम से चीजों को सरल करके याद करवाती रहूंगी। अब चलते हैं हम अपनी जो निबंध की श्रृंखला चल रही है, निबंध को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। जैसे जो फेमस कवि हैं, जो फेमस निबंधकार हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाओं को अक्सर पूछा गया है और हम क्या करते आए हैं, गलत करते आए हैं। हमने किसको, गुलाब राय को याद कर लिया है, कुबेरनाथ राय को याद कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, किसको देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट को देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट जो हैं, ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, और इनको क्या कहा जाता, क्या रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इनको, स्टील कहा है। एडिशन किसको कहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा है स्टील। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ जान लीजिए, स्टील कहा है इनको। तो स्टील में भी टा आया है और भट्ट में भी टा है, तो प्रताप और भट्ट में आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भट्ट में भी टा है और स्टील में भी टा है। तो आप लोग यहाँ से उसको मैच कर लेना, यहाँ से लिंक कर लेना कि भट्ट वाला ही क्या होगा, स्टील होगा। एडिशन का क्या होगा, प्रताप नारायण मिश्र होंगे। अब देखते हैं इनके कौन कौन से निबंध हैं। इनके बहुत सारे निबंध हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिया है, मैं JRF होल्डर हूँ, JRF मैंने क्वालिफाई किया था 2020 में, और मैंने PGT का इंटरव्यू भी दिया है, GIC का मेंस भी लिखा, फिर TGT में, अभी TGT की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ वाराणसी जिले, वाराणसी में, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम दिया है, DSS भी दिया है, MBS दिया है, KVS दिया है। तो बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए मैंने क्या किया है, इन रचनाओं को रखा है, जो रचनाएं अक्सर पूछी जाती है। अब देखते हैं इनके निबंध चंद्रोदय, इसके बाद दूसरा है संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू बोए, और ठेला मेला, रोटी तो किसी भांज खाए मुछंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, बारहवा है काल चक्र का चक्कर, ईश्वर भी क्या कठोर है, भिक्षा वृत्ति और स्त्रियां और उनकी शिक्षा, लास्ट है हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। ये सारे इनके क्या है, निबंध है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, बाल कृष्ण भट्ट, ये इसमें से हम क्या करेंगे, कृष्ण को लेके बनाएंगे अपनी ट्रिक, और बालक को भी लेके बनाएंगे और कृष्ण को भी लेके बनाएंगे। इस चीज को आप लोग को क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है, बाल कृष्ण के भट्ट को हम कैसे याद करेंगे, या तो बालक से या तो कृष्ण से। अब देखते हैं चंद्रोदय, अगर कोई बालक है, बाल में से क्या निकाल देंगे, बालक है ना, यहाँ पे अगर भी हटा दे तो क्या हो जाएगा, बालक। अगर कोई बालक है तो हम उसको क्या सुनाते हैं ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए खीर, कैसे सुनाते हैं ना, तो चंदा वाला जो गाना है, कहते हैं चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तो चंदा वाला गाना किसको आते हैं, गा के सुनाते हैं, बालक को सुनाते हैं। तो चंद्रोदय अगर पूछता है तो किसका हम निबंध बताएंगे, ये बाल कृष्ण भट्ट का बताएंगे। और फिर संसार महानाटकशाला, और कृष्ण क्या, कृष्ण की नाटकशाला होती है ना, कृष्ण लीला हम देखते हैं ना, कृष्ण लीला राम लीला होती है कि नहीं, और महानाटकशाला अगर पूछे तो किसका बताएंगे, बाल कृष्ण भट्ट का बताएंगे। और इसको क्या कर लेना है, कृष्ण से लिंक कर लेना है, कृष्ण की क्या होती है, नाटक होता है, कृष्ण का नाटक खेला जाता है। प्रेम के बाग का सैलानी, और कृष्ण
क्या करते हैं, वो वहां यमुना नदी के किनारे वहां पे पेड़ रहते हैं ना, पेड़ वगैरह, वहां पे प्रेम के बाग में रहते हैं कि नहीं? प्रेम के बाग में कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं। बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अब यहाँ देखना है, जन समूह के हृदय में कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं। जन समूह के हृदय में कौन रहता है? जो ब्रजवासी थे उनके हृदय में कौन था? कृष्ण ही तो रहते थे ना। हाँ, तो कृष्ण ही रहते थे, तो हम वहां से क्या कर लेंगे, ये बाल कृष्ण भट्ट का। अगर पूछे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो हमें तुरंत याद कर लेना है कि जन समूह के हृदय में कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं, कृष्ण निवास करते हैं, तो यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। शब्द की आकर्षण शक्ति, और आकर्षण शक्ति भी किसमें है? आकर्षण शक्ति किसमें है? कृष्ण में ही है। कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण के चारों तरफ गोपिकाएं नृत्य करती थी ना, तो उनकी क्या थी? आकर्षण शक्ति थी उनके अंदर, एक आकर्षण शक्ति थी जो गोपिकाओं को अपनी तरफ खींच लेती थी। तो आकर्षण शक्ति किसमें है? कृष्ण में है। राम में ऐसा तो ऐसे गुण नहीं थे ना, राम में तो ऐसा था नहीं, सिर्फ उनकी एक ही पत्नी थी, कौन थी? सीता। लेकिन कृष्ण में, कृष्ण की कहते हैं कि कई पत्नियां थी ना, तो उनकी गोपिकाएं भी, सब गोपिका भी उनसे प्रेम करती थी, क्योंकि उनके अंदर क्या था? आकर्षण शक्ति था। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, और घनिष्ठ संबंध भी किससे है? कृष्ण से ही है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध किससे है हमारा? कृष्ण से है। तो यहाँ से लिंक कर लेंगे। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, और इंग्लिश किसको पढ़ाया जाता है? बालकों को ही इंग्लिश पढ़ाया जाता है ना। बालक यहाँ हमने कर लिया, बालक और कृष्ण दोनों किया है। तो इंग्लिश किसको, अभी क्या है कि अगर हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है तो कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदी जितना जरूरी इंग्लिश है उतना ही जरूरी हिंदी भी है। तो कहते हैं इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, मतलब इंग्लिश किसको पढ़ाते हैं? बालक को पढ़ाते हैं, तभी तो बाबू होगा, उसको बाबू भी कहते हैं, बालक को बाबू भी कहते हैं, यहाँ से भी लिंक कर सकते हो। और इंग्लिश किसको पढ़ाते हैं? बालक को पढ़ाते हैं, बालक को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, बाल कृष्ण भट्ट का। मेला ठेला में कौन जाता है? बालक लोग ही तो जाते हैं ना, जो बाल बालक होते हैं। गांव का जो मेला होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन दिखता है? बच्चे ही तो दिखते हैं, सबसे ज्यादा कौन दिखेगा? बच्चे दिखेंगे। रोटी तो किसी भात खा कमा खाए मुछंदर। रोटी बच्चों का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है? दूध रोटी दे दिया जाता है, दूध रोटी या दूध भात दे दिया जाता है ना। तो कृष्ण भी देखते थे कि क्या खाते थे, माखन रोटी खाते थे ना, तो माखन रोटी, रोटी कौन खाता था? कृष्ण खाते थे। अर्थात किसका निबंध है? बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है, यहाँ से आप लोग याद कर लेना। और यहाँ बाल तो लिखा ही है, बाल विवाह पूछ ले, तो बाल विवाह मतलब किसी बालक का ही विवाह हो रहा है, छोटा सा कोई है उसका विवाह हो रहा है, तो बालक का विवाह हो रहा है, तो बाल कृष्ण भट्ट का बाल विवाह। माता का स्नेह किससे होगा? कृष्ण से ही था। यशोदा का स्नेह किससे था? कृष्ण से ही था। बालक से ही माता का स्नेह होता है ना, तो बाल कृष्ण भट्ट। काल चक्र का चक्कर याद रखना, अगर काल चक्र सिर्फ पूछे, काल चक्र तो ये किसका हो जाएगा? भारतेंदु का हो जाएगा। काल चक्र अगर पूछे तो ये भारतेंदु का हो जाएगा। अगर काल चक्र का चक्कर पूछता है तो किसका हो जाएगा? ये बाल कृष्ण भट्ट का हो जाएगा। कृष्ण क्या करते थे? चक्कर लगाते रहते थे ना, माखन खाने के लिए क्या करते थे? कृष्ण चक्कर लगाते रहते थे कि कोई नहीं हो घर पे, और घुस जाते थे अपनी मंडली के साथ और माखन सारा चट कर जाते थे। तो काल चक्र का चक्कर अगर पूछे तो हम कहेंगे बाल कृष्ण भट्ट, और काल चक्र पूछे तो हम कहेंगे भारतेंदु। इसी में इन्होंने कहा था, हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु किसमें कहा था? काल चक्र की भूमिका में कहा था, हिंदी नई चाल में ढली। अब देखते हैं फिर कौन है। ईश्वर भी का ठठोल है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? कृष्ण है। बाल कृष्ण भट्ट ही है, बाल कृष्ण है ईश्वर। जैसा अगर निबंध दिखे ईश्वर भी क्या ठठोल है, तो हम किसको कह देंगे? बाल कृष्ण भट्ट। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, इनकी कहते हैं कि कृष्ण की बहुत सारी कई हजार पत्नियां थी, तो स्त्रियां किसकी सबसे ज्यादा स्त्रियां थी? कृष्ण की थी, तो किसका हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट। हमारे नए
परिवर्तन, हमारे नए शिक्षितों में परिवर्तन। कृष्ण क्या करते हैं, समाज को थोड़ा सा अलग परिवर्तित करते हैं ना। राम का क्या था कि सिर्फ पत्नी व्रता थे, सिर्फ एक पत्नी से ही मतलब विवाह किए, उसी से प्रेम किए। लेकिन कृष्ण का क्या था, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव आया। कृष्ण में क्या हुआ, थोड़ा सा उनके युग में बदलाव आया, जो क्या किए, सब में प्रेम का अलग जगाया। तो यही है सुशिक्षितों में प्रेम में परिवर्तन। परिवर्तन कौन लाता है, कृष्ण लाते हैं। आप लोग याद कर रहे हैं, ऐसे सिंपल सा है। बालक को हम क्या चंदा मामा वाली स्टोरी सुनाते हैं, बाल कृष्ण क्या क्या होता है, नाटक होता है, नाटक महाशाला। प्रेम के बाद में क्या होता है, राम कृष्ण जो है वो रास लीला करते हैं। और जन समूह के हृदय में कौन है, बाल कृष्ण है, कृष्ण की जो बाल छवि है वो है। और आकर्षण शक्ति भी किसमें है, बाल कृष्ण में है। और इनसे इन्हीं से क्या है, सबका घनिष्ठ संबंध भी है। और बाबू भी बाल कृष्ण को कहा जाता है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, इंग्लिश कौन पढ़ता है, कोई बालक ही पढ़ता है। मेला ठेला में कोई बालक ही जाता है। रोटी माखन रोटी कौन खाता था, बाल कृष्ण खाते थे जब बालक थे। इसके बाद है बाल विवाह, किसी बालक का विवाह होगा तो बाल विवाह कहलाएगा, मतलब बाल कृष्ण भट्ट। मादा का स्नेह किससे है, किसी बालक से ही होता है। यशोदा का भी बाल कृष्ण से था। काल चक्र का चक्कर, माखन के चक्कर में कृष्ण रहते थे, काल चक्र का चक्कर। ईश्वर कौन है, बाल कृष्ण है। ईश्वर कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है। और स्त्रियां भी इनकी ढेर सारी थी बाल कृष्ण की, तो स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। यही हमारा क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के निबंध है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सबको पता चल सके कि हम निबंधों को या रचनाओं को कैसे याद करते हैं। 2 मिनट में याद हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।